सुंदरदास को उतारकर हिंदू कार्ड आजमाया है। क्या इस बार कांग्रेस की कवायद सफल होगी, इस रिपोर्ट में देखिए। रायपुर दक्षिण, बीजेपी का वो अभेद किला जिसे 2018 की कांग्रेस की लहर भी हिला नहीं पाई। राजधानी की इस सीट से पूर्व मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता ब्रजमोहन अग्रवाल विधायक हैं। कांग्रेस ने कई दावेदारों को उनके सामने मैदान में उतारा, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। कांग्रेस ने हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए महंत राम सुंदर दास को मैदान में उतारा है, जो सभी के समर्थन से चुनाव जीतने की बात कह रहे हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी एक साथ मिल करके लोगों के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। वो अपना अमूल्य वोट कांग्रेस पार्टी के पंजा छाप में वोट दबा बटन दबा के देंगे। रायपुर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के जनता के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है, वो अपना अमूल्य वोट मुझे प्रदान करें, जिस तरह मैं सेवक बनूंगा। रायपुर दक्षिण से कांग्रेस के दावेदारों की लंबी फेरिस्त थी। महापौर एजाज डेबर और कन्हैया अग्रवाल समेत कई कांग्रेस नेता इस सीट से दावा ठोक रहे थे, लेकिन जब लिस्ट आई तो सभी दावेदारों के हाथ मायूसी लगी। इधर अपने नेता को टिकट ना मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। एजाज डेबर पार्टी के फैसले के साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं, तो कन्हैया अग्रवाल को अभी भी उम्मीदें हैं। अब टिकट तो किसी चार को मिलना है, पांच को तो मिल नहीं सकता। अब जिनको टिकट मिला, मैं मानता हूँ वो मेरे से बेटर प्रत्याशी हैं, अच्छे प्रत्याशी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ और जितनी मेहनत मैंने अपने चुनाव के लिए की, जितनी मेहनत मैंने पहले से अपने लिए प्लानिंग की है, वो सब मेहनत, वो पूरी प्लानिंग आदरणीय महंत जी के लिए हम लोग करेंगे। अंतिम समय तक संभावनाएं रहती है और आदरणीय महंत जी चूंकि इस बात को कह रहे हैं कि उनकी वहाँ ज़्यादा तैयारी थी, तो उस तैयारी के आधार पर शायद जो है पार्टी अपने मन बदले, ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उसका हम लोग इंतजार करेंगे। रायपुर दक्षिण से एक या दो बार नहीं बल्कि 7 बार के ब्रजमोहन अग्रवाल अंगद की तरह अडिग हैं। वो एक बार फिर जीत का दावा कर रहे हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार को सिर्फ एक प्रयोग बता रहे हैं। उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि मैं तो यहां से लड़ना नहीं चाहता हूं, मैं तो लड़ना चाहता था जांजगीर चापा से, मेरी तैयारी वही थी, परंतु मुझे पार्टी के, मुझे लगता है कि वो मन से नहीं लड़ रहे हैं, वो मजबूरी से लड़ रहे हैं। और उनका आशीर्वाद मुझे आज से नहीं 40 साल से मिल रहा है और अभी भी मिलेगा। कांग्रेस प्रत्याशी को बीजेपी के इस किले को भेदने के इरादे से कांग्रेस ने महंत राम सुंदर दास को उतारा है। अब देखना होगा कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करते हुए कांग्रेस किस रणनीति से अपना परचम लहराती है। रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट, बंसल न्यूज़।